नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुए मरीजों ने खुशी मनाते हुए अपने विचार वीकेबी न्यूज़ से साझा किए। ज्ञात हो कि ब्रेस्ट कैंसर एक जटिल समस्या बन चुका है, जिसे देखते हुए किंग्सवे अस्पताल द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसको शत प्रतिशत कामयाबी मिली है। किंग्सवे हॉस्पिटल की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसकी अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कैंपेन चलाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो सर्वाइवर है उन सभी को बुलाया, और इसलिए किंग्सवे हॉस्पिटल की पूरी टीम हमारे साथ है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है सर, तो उसके बारे में क्या बताएं? अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो उस दौरान ही हमने ये आज 10 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मीट करके हमने किंग्सवे हॉस्पिटल में रखा है। तो मैं आपको थोड़ा जो हमारे रिसेंट एडवांसेस है सर्जरी में ब्रेस्ट कैंसर के, वो बताना चाहूँगा और स्क्रीनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे मतलब ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के दो टाइप्स है, एक मतलब जिसमें हम पूरा स्तन निकालते हैं, दूसरा जिसमें स्तन बचाने वाली सर्जरी करते हैं। तो जो स्तन बचाने वाली सर्जरी है उसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितना ट्यूमर है प्राइमरी ट्यूमर जो ब्रेस्ट में है, उसको हम 1 से 2 सेंटीमीटर चारों तरफ नॉर्मल टिश्यू का परदी लेके वो प्राइमरी ट्यूमर जो ब्रेस्ट में वो गांठ निकालते हैं। और बगल वाली गांठ के लिए हमारे हॉस्पिटल में फ्लूरोसेंस बेस्ड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते, जो मतलब अभी हमारे यहाँ पे चालू हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं, जो ICG है वो इंजेक्ट करते हैं 12 o'clock और 9 o'clock पोजिशन पे निपल के अराउंड, और 5 मिनट्स में वो हम लिम्फेटिक स्ट्रेस करते और वो जहाँ तक एक्जिला में बगल में जाता है और जहाँ पे स्टाप होता है वो हम गांठ निकाल के जांच के लिए भेजते हैं ऑपरेशन के दौरान। वो अगर गांठ निगेटिव आती है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके वजह से क्या होता है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स पे, हाथ पे सूजन आना या पीठ में दर्द या नमनेस रहना या मतलब जैसे बोलते हैं चिटी आने जैसे, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती है। मतलब एक्सिलरी डिसेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो अपन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर से अवॉइड कर सकते हैं। ये हो गया ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी और सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी। थोड़ा मैं प्रिवेंशन पे बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो अपने इंडिया में लगभग 50 से 60% लोग एडवांस स्टेज में आते, स्टेज 3 स्टेज 4 में आते। तो अगर अर्ली डिटेक्शन जैसे स्टेज 1 में डिटेक होता है तो पेशेंट के 90% चांसेस है कि वो पूरी तरह से क्योर हो जाए। तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन पे अपन ने फोकस करना चाहिए। इसके लिए अपन को प्रिवेंशन मतलब क्या है, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। आहार जो लेते हैं वो अच्छी तरह से मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरा हुआ रहना चाहिए, मांसाहार या अधिक वसा वाले पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तीसरा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। यूजुअली स्क्रीनिंग मतलब क्या है, लक्षण आने के पहले ही अपन जो जाँच करते अपन उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसमें अपन मैमोग्राफी करते, मैमोग्राफी मतलब एक्सरे, ब्रेस्ट के एक्सरे को अपन मैमोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या है, लगभग 40 के बाद सभी फीमेल्स ने स्क्रीनिंग चालू कर देना चाहिए, या जिनके फैमिली में हिस्ट्री रहती है उन लोगों ने 25 या 30 के बाद स्क्रीनिंग चालू करना है। और मैं सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे ज़्यादा ये बोलना चाहूँगा। सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब फीमेल्स ने स्व परीक्षण अपने घर पर ही ब्रेस्ट का महीने में एक बार परीक्षण करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो हर महीने अपना ब्रेस्ट का परीक्षण करती है तो उनको अपने ब्रेस्ट का पूरा क्या है सब पता चल जाता है। मतलब कैसा है उनका ब्रेस्ट, टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी है, कुछ गांठ है या नहीं। तो हर महीने में देखने से क्या होता है, कभी असामान्य अगर कुछ लगा तो उनको ध्यान में आ जाता है कि ब्रेस्ट में गांठ है या स्किन चेंजेस है या निपल में झुकाव है। तो ये सारी चीज़ें उनको तुरंत ध्यान में आती है और वो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इससे अपन कैंसर को अर्ली स्टेज या फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी ज़्यादा भर देना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत सही बात कही सर ने कि सेल्फ जो है वो खुद करना चाहिए, मतलब खुद ही खुद का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि टीम है हमारे, सर आपका नाम? मैं डॉक्टर सौरभ प्रसाद हूँ, मैं किंग्सवे हॉस्पिटल का सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेरा मेन काम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज और हार्मोनल थेरेपीज देने का है। जैसा कि ये महीना आपको पता है, ये अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और आज हमने अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को यहाँ सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने ये ट्रीटमेंट के थ्रू गुजर चुके हैं और उनको ये सेकेंड लाइफ मिली है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट हुई हैं पिछले कई सालों में,
अर्ली ब्रेस्ट डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जल्दी ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1-2 में डिटेक्ट करते हैं तो उनका क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी भी काफ़ी छोटी कर दी गई हैं पहले के मुकाबले और कम साइड इफ़ेक्ट वाली हो गई हैं। उसके अलावा टारगेटेड थेरेपीज़ दी जाती हैं जिससे कि रिज़ल्ट और बेहतर हो पाए। ज़्यादातर पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं लेकिन इग्नोरेंस के कारण लेट स्टेज में आने वाले पेशेंटों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं मीडिया के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि सभी महिलाओं को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग जो मेमोग्राफी है सालाना कराना चाहिए। एडवांस स्टेज के लिए भी काफ़ी ट्रीटमेंट एडवांस हो गई हैं जिसमें टारगेटेड टैबलेट्स और हार्मोनल थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं जिससे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी ना देना पड़े। इसके अलावा काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, कई इंटरनेशनल रिसर्चेस हमारे किंग्सवे हॉस्पिटल में भी चल रहे हैं एडवांस स्टेज पेशेंट्स के लिए, जो आने वाली फ्यूचर की एडवांस मेडिसिन के बारे में भी है। तो इनसे हम पेशेंटों के काफ़ी फ़ायदे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है वो रेडियोथेरेपी है। जो जिन पेशेंट को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है उन्हें हम रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनका पूरा इलाज हो पाए और वो पूरी तरह से ठीक हो पाए। और हम सभी जानते हैं कि नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल जो है एडवांस चीज़ें जो है वही लेकर आता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा दुबे है। मैं भी कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल में। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ महिलाओं को आज ये बोलना चाहूँगी कि ये जो पूरा महीना चल रहा है हम आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है हम हमारी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कैंसर के हिसाब से लोगों के मन में यही धारणाएं होती हैं कि एक बार कैंसर हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता। तो ये सर्वाइवर इवेंट हम इसलिए मनाते हैं ये लोगों को दिखाने के लिए कि ये ठीक हो सकता है और पूरी तरीके से इससे बाहर आया जा सकता है। कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक जेनेटिक या हेरिडिट्री जिसको हम बोलते हैं कि महिलाओं में पारिवारिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कोई होती है तो उनकी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है कैंसर होने की। उसके लिए कई टेस्ट्स होते हैं, एडवांस जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिससे आपकी रिस्क कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या जाँच करानी चाहिए आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए, वो सभी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। महिलाओं में जो झिझक होती है अपना एक स्तन जांच कराने की, स्वयं जो एग्ज़ामिनेशन करना है वो तो अपनी जगह है, डॉक्टर से जो चेकअप कराना है उसके लिए भी अगर किसी महिला को कोई झिझक होती है तो हमारे पास बिल्कुल आके दिखा सकते हैं, हम उसके लिए भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट से रिलेटेड तो आप ज़रूर किंग्स आ सकते हैं। मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर मोना राय, मैं पेन और पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल में। मैं उस एंड पे हूँ हेल्थ केयर फैसिलिटी के जहाँ पे कि पेशेंट्स मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक एंड स्टेज पे आते हैं या जब के कैंसर बहुत बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, उस समय वो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। विशेषतः सिंस हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए मैं फोकस करूँगी सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी पे। जब ऐसी महिला मेरे पास स्टेज 4 या स्टेज 3 में आती हैं और जहाँ पे उनके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि उनके मन में जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर माईसेल्फ जब मैं ये देखती हूँ कि वो बच्चे होते हैं, उनका सारा मन, उनका सारा दिल उन बच्चों में लगा होता है और वो जान रही होती कि उनके पास समय की कमी आ गई है। यहाँ तक कि मुझे उनको ये सजेशंस भी देने पड़ते हैं कि आप चिट्ठियाँ लिखिए अपने बच्चों के लिए, जो जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो चिट्ठियाँ पढ़ पाएंगे आपकी कि आप एज अ मदर उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रही थी। उस समय इट ब्रेक्स माय हार्ट टू थिंक दैट यू नो अगर ये जल्दी आ जाती, अगर ये जल्दी डिटेक्शन करवा लेती, अर्ली डिटेक्शन हो जाता तो ये आज बच पाती। सो इसका ये इम्पैक्ट होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली समय की कमी आ जाती है एडवांस स्टेजेस में। सो मैं सारी महिलाओं से और उनके फैमिली से ये अनुरोध करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द स्क्रीनिंग डिटेक्शन ये करें जिससे कि यू स्टैंड अ वेरी ग्रेट चांसेस सर्वाइवल, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा जैसे डॉक्टर सौरभ प्रसाद ने भी कहा कि 90% सर्वाइवल हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर। और आज ये इवेंट इसीलिए भी हुआ है कि ये समाज में जाए और फैले, और यहाँ पे जितने हैं मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि सारे लोग आगे 10 लोगों को बताएं और वो 10 लोग आगे 10 लोगों को बताएं, तो इससे एक एक्सपोनेंशियल अवेयरनेस होगा जिससे कि बहुत सारी जानें बचेंगी और उन माताओं की जो अपने छोटे छोटे बच्चों से जुदा हो जाती हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो ये तो था किंग्सवे हॉस्पिटल, और हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर से अगर बचना है तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है और सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा कैंपेन जो है वो किंग्सवे हॉस्पिटल चला रहा है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शिंडे, वीकेबी न्यूज़ के लिए।